Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all a new topic, that is approaches to educational research. Prior to this video, I have already discussed with you the types and purposes of educational research. And in continuation to the previous video, in this lecture I am going to discuss the approaches to educational research, means wo kaun se tareeke hain, wo kaun se upagam hain jinse aap shaikshik anusandhan kar sakte hain. To shuru karte hain ki agar hum upagam ki baat kare, approaches ki baat kare, to educational research mein aap sabhi ko pata hai ki teen mukhya upagam hain, teen mukhya tareeke hain. Quantitative research hai, qualitative research hai, aur dono ko milane se mixed method research ya approach banti hai. Jo quantitative research hai wo bahut purani hai, you can say ki सबसे पुरानी है और उसका बहुत सालों तक प्रादुर्भाव रहा है, बहुत सालों तक वो प्रचलन में रही है. और उसके बाद जब उसके क्रिटिक्स आए तो क्वालिटेटिव रिसर्च इमर्ज होती है पिछले 30-40 सालों में. और ये जो मिक्स्ड मेथड रिसर्च का जमाना है वो अभी चल रहा है और मिक्स्ड मेथड रिसर्च अभी अपना स्वरूप ले रही है. तो ये तय करने के लिए कि आप कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, आपको एक बेसिक ब्रॉड फ्रेमवर्क का निर्माण करना होता है जिसमें तीन मुख्य घटक हैं, तीन मुख्य तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जिन पर आपको विशेष फोकस करना होता है. और वो हैं कि आप किसको ज्ञान मान रहे हैं और ज्ञान को एकत्रित करने के, ज्ञान तक पहुंचने के तरीके कौन से अपना रहे हैं, और कौन से आप इंक्वायरी के तरीके अपना रहे हैं, और मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं, मींस नॉलेज क्लेम क्या है आपकी रिसर्च का, स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी आप क्या यूज करेंगे, और मेथड्स कौन सा फॉलो करेंगे. ये तीन ब्रॉड फ्रेमवर्क ये डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कि आप कौन सी रिसर्च, कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे. तो क्रॉटी ने 1998 में इसका ग्राउंडवर्क तैयार किया और बताया कि चार प्रश्न हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए कोई रिसर्च प्रपोजल के डिजाइनिंग में, और जो अंततः आपको ये बताएंगे कि आप कौन सी अप्रोच अपनाएंगे. तो पहला है कि व्हाट इपिस्टेमोलॉजी या थ्योरी ऑफ नॉलेज एम्बेडेड इन द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. अब यहां मैं फिलोसफी में नहीं जा रही हूं, मैं मान के चल रही हूं कि आपको इपिस्टेमोलॉजी का अर्थ पता है. तो इपिस्टेमोलॉजी आपको मतलब कि आपका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, जो सैद्धांतिक पक्ष है आपकी समस्या का, उसके पीछे कौन सा थ्योरी ऑफ नॉलेज लाई करता है. जैसे ऑब्जेक्टिविज्म है कि सब्जेक्टिविज्म है, कौन सा इपिस्टेमोलॉजी, आप वस्तुनिष्ठ तरीके से को सही मानते हैं कि व्यक्तिनिष्ठ तरीके को सही मानते हैं. फिर व्हाट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या फिलोसॉफिकल स्टांस लाइज बिहाइंड द मेथडोलॉजी इन क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा जो आप मेथडोलॉजी अपना रहे हैं उसके पीछे आप कौन सा पैराडाइम या फिलोसॉफिकल स्टांस लेके चल रहे हैं. पॉजिटिविज्म है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म है कि इंटरप्रिटिविज्म है कि क्रिटिकल थ्योरी है, कौन सा है. फिर कौन सी मेथडोलॉजी या स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं अपने आउटकम को पाने के लिए, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे कि सर्वे रिसर्च करेंगे कि एथनोग्राफी करेंगे, क्या करेंगे. और लास्ट में कौन सी मेथड्स या टेक्निक्स आप फॉलो करेंगे उसको पाने के लिए, जैसे क्वेश्चनियर बनाएंगे कि इंटरव्यू लेंगे कि फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे, व्हाट. तो ये चार तरीके के प्रश्न हमारे दिमाग में, इन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी अप्रोच आप फॉलो करेंगे. तो तीन आई एलिमेंट्स ऑफ इंक्वायरी, एक तो नॉलेज क्लेम, दूसरा स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी, स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, और तीसरा मेथड, कंबाइंड टू फॉर्म डिफरेंट रिसर्च अप्रोचेज. यही तीन मिलकर हमारी रिसर्च अप्रोच का निर्माण करते हैं. These approaches in turn are translated into processes in the design of research. Preliminary steps in designing a research proposal then are to assess the knowledge claims, to consider the strategy of inquiry that will be used, and to identify specific methods. Using these three elements, a researcher can then identify either the quantitative, qualitative or mixed methods approach to inquiry. यानी कि हमको पता चल जाए कि हमारा knowledge claim क्या है, हम strategy कौन सी अपनाने जा रहे हैं, methods कौन से follow करने जा रहे हैं, तो हम पता कर सकते हैं, हम तय कर सकते हैं कि हम quantitative, qualitative या mixed method किस approach पर जाएंगे. तो शुरू करते हैं नॉलेज क्लेम से. नॉलेज क्लेम क्या है कि स्टेटिंग ए नॉलेज क्लेम मींस दैट रिसर्चर्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विद सर्टेन अजम्पशन अबाउट हाउ दे विल लर्न एंड व्हाट दे विल लर्न ड्यूरिंग इंक्वायरी. यानी कि नॉलेज क्लेम का मतलब है कि हमारा कुछ मूलभूत मान्यता होती है जिससे हम ये मान के चलते हैं कि हम क्या सीखने जा रहे हैं हम और कैसे सीखने, हाउ दे विल लर्न एंड व्हाट दे विल लर्न, हम क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे. तो इसी क्लेम को आप पैराडाइम के नाम से भी जान सकते हैं. लिंकन एंड गुबा और मर्टेंस ने इसको पैराडाइम कहा, इसको क्रॉटी ने ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी या फिलोसॉफिकल अजम्पशन कहा, या इसको रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहा न्यूमैन ने. तो फिलोसॉफिकली रिसर्चर्स मेक क्लेम्स अबाउट व्हाट इज नॉलेज,
ऑन्टोलॉजी जिसको कहते हैं, हाउ वी नो इट जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, व्हाट वैल्यूज गोइंग टू इट जिसको एक्सियोलॉजी कहते हैं, हाउ वी राइट अबाउट इट जिसको रिटोरिक कहते हैं, एंड द प्रोसेसेस फॉर स्टडिंग इट मेथोडोलॉजी जिसको क्रेसवेल ने 1994 में हमको ये बताया. यानी कि ये सब फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं. ऑन्टोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी, हाउ डू वी नो दैट रियलिटी, एक्सियोलॉजी, व्हाट आर द वैल्यूज विच वी माइट करेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फिलोसफी, हाउ वी राइट अबाउट इट और व्हाट प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू यूज. तो फोर स्कूल्स ऑफ थॉट हमारे नॉलेज क्लेम के निकल के आते हैं मेनली, जो कि ये तय करने में हमें मदद करेंगे कि हम कौन सी रिसर्च अप्रोच फॉलो करेंगे. तो ये हो सकती है पोस्ट पॉजिटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, एडवोकेसी और पार्टिसिपेटरी और प्रेगमेटिज्म. अच्छा, पॉजिटिविज्म की बात मैंने नहीं की, पोस्ट पॉजिटिविज्म की कर रही हूँ इसलिए क्योंकि पॉजिटिविज्म को अब पोस्ट पॉजिटिविज्म ने ले लिया. अब पॉजिटिविज्म क्या है? पॉजिटिविज्म जो सबसे पुराना, जबकि कहते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने जब सोशियोलॉजी का टर्म दिया है उन्होंने ही पॉजिटिविज्म का टर्म दिया है, तो ये मान के चलते थे नेचुरल साइंस एकदम, मतलब एक सत्य है, बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आप उसको हासिल कर सकते हैं और उसमें कोई शक शुबहा की गुंजाइश नहीं है, ये पॉजिटिविज्म कहता है. और इन्होंने कहा कि ह्यूमंस पे या सोशल रिसर्चेस भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं. यही एक गलती हो गई क्योंकि जो नेचुरल वर्ल्ड है और जो ह्यूमन वर्ल्ड है, जो सोशल वर्ल्ड है, दोनों में अंतर है. सोशल वर्ल्ड को आप ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए जो पोस्ट पॉजिटिविज्म आया है उसने थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड में रिलैक्सेशन कर दिया और उसने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं पा सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से. ठीक, तो इसलिए पॉजिटिविज्म को नहीं लिया मैंने. तो ट्रेडिशनली द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस हैव गवर्न्ड क्लेम्स अबाउट व्हाट वारंट्स नॉलेज. दिस पोजीशन इज समटाइम्स कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग साइंस रिसर्च. यानी कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड का फिलोसॉफिकल स्टांस है. और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो थिंग आपको बता ही दिया मैंने कि पॉजिटिविज्म के बाद आया है और ये चैलेंज करता है पॉजिटिविज्म के ट्रेडिशनल नोशन को, जो कि कहते हैं कि हम ट्रूथ को बिल्कुल पूरी तरीके से पा सकते हैं. लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि वी कैन नॉट बी पॉजिटिव अबाउट अवर क्लेम्स ऑफ नॉलेज व्हेन स्टडिंग द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ ह्यूमंस. जब हम मनुष्य के व्यवहार या कार्य का अध्ययन कर रहे हैं तो हम पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकते कि हमने सही ही हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म है. फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि नॉलेज क्या है, ये कंजेक्चरल होती है, एंटी एब्सोल्यूट ट्रुथ कैन नेवर बी फाउंड. फिर ये कह रहे हैं रिसर्च का क्या प्रोसेस है, मेकिंग क्लेम्स एंड देन रिफाइनिंग और अबेंडनिंग सम ऑफ देम फॉर अदर क्लेम्स मोर स्ट्रांगली वॉरेंटेड. फिर ये कह रहे हैं कि डेटा एविडेंस एंड रेशनल कंसिडरेशन शेप नॉलेज. ये कह रहे हैं कि रिसर्च सीक्स टू डेवलप रेलिवेंट ट्रू स्टेटमेंट्स जिसमें हम कॉजल रिलेशनशिप पता करते हैं. ये कह रहे हैं बींग ऑब्जेक्टिव इज एन एसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटेंट इंक्वायरी एंड फॉर दिस रीजन रिसर्चर्स मस्ट एग्जामिन मेथड्स एंड कंक्लूजन्स फॉर बायस. तो ये सब इनके मतलब मूलभूत मान्यताएं हैं कि पोस्ट पॉजिटिविज्म किस पर आधारित है. तो खास बात ये कि ये मान के चलते हैं कि पूरे ऑब्जेक्टिव तरीके से आप ह्यूमंस पे रिसर्च नहीं कर सकते, स्टिल ये साइंटिफिक मेथड है और क्वांटिटेटिव रिसर्च का पैराडाइम है. दूसरा जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का आता है उसको कंस्ट्रक्टिविज्म या इंटरप्रिटिविज्म कहते हैं. देखिए ये है वैसे नेचुरलिस्टिक पैराडाइम, उसमें ये कंस्ट्रक्टिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म ये सारे नाम चलते हैं. तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफन कंबाइंड विद इंटरप्रिटिविज्म, मर्टेंस ने 1998 में कहा, इट्स सच ए पर्सपेक्टिव. इस तरीके का ये परिप्रेक्ष्य है. ये आइडिया कहाँ से निकल के आया, मैनहीम और बर्गर और लिकमैन ने काम किया द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और लिंकन एंड गुबा की बुक आई नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी. इन लोगों ने कंस्ट्रक्टिविज्म को बाहर निकाला, ऊपर लाए, आगे लाए. मोर रिसेंट राइटर्स हु हैव समराइज दिस पोजिशन, फिर लिंकन एंड गुबा 2000 में भी लिखते हैं, श्वांट लिखते हैं, न्यूमैन लिखते हैं, क्रोटी लिखते हैं, इन सब ने कंस्ट्रक्टिविज्म पे बात की है. ये एजम्पशन इसका ये करता है, ये इस पे आधारित है कि जो इंडिविजुअल सीक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव एंड वर्क, दे डेवलप सब्जेक्टिव मीनिंग्स ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस. यहाँ से सब्जेक्टिविटी आ रही है क्योंकि आप ऑब्जेक्टिवली कर नहीं सकते, तो सब्जेक्टिव तरीका सही है जब आप ह्यूमंस पे रिसर्च करने जा रहे हैं. दीज मीनिंग्स आर वेरीड एंड मल्टीपल. ये कह रहे हैं रियालिटी मल्टीपल रियालिटी होती है, कंटेक्स्ट के साथ बदलती है, लीडिंग द रिसर्चर टू लुक फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ व्यूज रादर देन नैरोइंग मीनिंग्स इनटू अ फ्यू कैटेगरीज और आइडियाज. वो कह रहे हैं कि इन डेप्थ स्टडी कीजिए, उसको कैटेगरी में नैरो डाउन नहीं कीजिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए. तो यहाँ जो रिसर्च का गोल है वो है देन इज टू rely as much as possible on the participants' views of the situation being studied. जिन पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं उनके व्यू को समझने की कोशिश करनी है. The questions इसीलिए यहाँ पे broad होते हैं, general होते हैं, so that the participants can construct the meaning of the situation. ये बात constructivism या interpretivism की है. अब आएगा advocacy या participatory knowledge. ये कह रहा है
अनदर ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, उन्होंने कहा कि एक समूह कह रहा है पोस्ट पॉजिटिविस्ट सही है, एक समूह कह रहा है कि नहीं नहीं कंस्ट्रक्टिविस्ट सही है, एक समूह एडवोकेसी या पार्टिसिपेटरी नॉलेज को भी सत्य मानने वाला है। वो ये कहते हैं कि जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अजम्पशन है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए सही नहीं है, वहां सोशल जस्टिस हम नहीं दे सकते, वहां हमको थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी रिसर्च करने की जरूरत है। और ये रिसर्च वर्क कहाँ से उद्भव हुआ है इसका, मार्क्स, एडॉर्नो, मार्क्यूज, हैबरमास और फ्रेरे के काम से। इन्होंने कहा कि कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो है वो मार्जिनलाइज्ड पीपल की हेल्प के लिए ठीक नहीं है, वहां पे हमको दूसरी तरीके के एक्शन एजेंडा की काम करना पड़ेगा। और वो एडवोकेसी या पार्टिसिपेटरी नॉलेज की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज ऑफ द डे जैसे एम्पावरमेंट, इनइक्वालिटी, ऑप्रेशन, डोमिनेशन, सप्रेशन और एलिनेशन के लिए एडवोकेसी और पार्टिसिपेटरी नॉलेज ज्यादा बेहतर है बजाय कंस्ट्रक्टिविस्ट या पोस्ट पॉजिटिविस्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मिक्स मेथड अप्रोच के लिए जो फिलोसॉफिकल पैराडाइम है वो प्रैग्मेटिक नॉलेज है। ये काम कहाँ से आया, जैसे कि हम लोग प्रैग्मेटिज्म के बारे में जानते हैं, पियर्स, जेम्स, मीर और डीवी ने इस पर काम किया है। और ये कह रहे हैं कि नॉलेज क्लेम्स अराइज आउट ऑफ एक्शन सिचुएशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस रादर देन एंटीसीडेंट कंडीशंस, है ना। ये कह रहे हैं कि देयर इज अ कंसर्न विद एप्लीकेशंस व्हाट वर्क्स एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। जैसे कि प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो चल रहा है, जो काम कर रहा है, जो एप्लीकेबल है वही ट्रूथ है। तो इंस्टेड ऑफ मेथड्स बीइंग इंपॉर्टेंट, द प्रॉब्लम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिसर्चर्स यूज ऑल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं यहाँ तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, समस्या इंपॉर्टेंट है। और समस्या इंपॉर्टेंट का समाधान करने के लिए जो मेथड आपको सूटेबल लग रहा है, आपको क्वांटिटेटिव लग रहा है तो वो करिए, क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव आने का मन है क्वालिटेटिव आ जाइए, क्वालिटेटिव से शुरू करके क्वांटिटेटिव आ जाइए, दोनों मिला के चलिए, अंततः समस्या का समाधान होना चाहिए, वो जरूरी है। प्लूरलिस्टिक अप्रोच को ये मानते हैं। और इनके कुछ मूलभूत मान्यताएं हैं, जैसे कि इज नॉट कमिटेड टू एनी वन सिस्टम ऑफ फिलोसफी, यहाँ पे रिसर्चर के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। ये मानते हैं कि वर्ल्ड को एब्सोल्यूट एंटिटी नहीं मानते हैं, ये कहते हैं ट्रुथ वो है जो समय पे काम दे, है ना। और ये कहते हैं व्हाट एंड हाउ टू रिसर्च बेस्ड ऑन द इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, ये मानते हैं कि रिसर्च हमेशा सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है। और ये सारी बातें प्रैग्मेटिज्म वाले, प्रैग्मेटिक फिलोसफी वाले मान रहे हैं और मिक्स मेथड अप्रोच को ये फॉलो करते हैं। दस फॉर द मिक्स मेथड रिसर्चर प्रैग्मेटिज्म ओपन्स द डोर टू मल्टीपल मेथड, इसलिए बहुत सारे मल्टीपल मेथड ये खोलता है रिसर्चर के लिए, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज, डिफरेंट अजम्पशन, किसी एक पे स्टिक नहीं करना है, वो जो काम कर रहा है वो सही है, ठीक। अब तो ये हम तीन क्लेम में से नॉलेज क्लेम हो गया, अब स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी। तो स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी का मतलब कि हम कौन सा डिजाइन फॉलो करेंगे, मेथोडोलॉजी हम कौन सी लेके चलेंगे। तो जैसे कि क्वांटिटेटिव में हम कौन सी मेथोडोलॉजी लेते हैं, एक्सपेरिमेंट लेते हैं या हम सर्वे करते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा डिटेल नहीं जा रही हूँ। और क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, जैसे एथनोग्राफी, है ना, इसमें एथनोग्राफी में कल्चरल ग्रुप की स्टडी की जाती है। ग्राउंडेड थ्योरी, जिसमें हम अटेम्प्ट टू डिराइव ए जनरल एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ए प्रोसेस, एक्शन और इंटरेक्शन ग्राउंडेड इन व्यूज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ए स्टडी। जिन पार्टिसिपेंट्स को आप अध्ययन करने जा रहे हैं उनसे बातचीत करके वो ग्राउंड में होती है थ्योरी और वो इमर्ज होती है, वो ग्राउंडेड थ्योरी। फिर केस स्टडी, जिसमें आप इन डेप्थ प्रोग्राम को स्टडी करते हैं। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें आप एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस या लाइव्ड एक्सपीरियंस का अध्ययन करते हैं। नैरेटिव रिसर्च, जिसमें कि आप रिसर्चर की लाइव्स और इंडिविजुअल्स से बात करके उनकी स्टोरीज का नरेशन निकालते हैं और फिर उसको लिखते हैं। तो और मिक्स्ड मेथड अप्रोच में हम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पे फ्लिप कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव। और इसके जो तरीके हैं वो थोड़े से लेस पॉपुलर हैं, जैसे सीक्वेंशियल प्रोसीजर। ये मान के चलता है कि हम पहले क्वांटिटेटिव करेंगे फिर क्वालिटेटिव करेंगे, या पहले क्वालिटेटिव तरीके से अध्ययन करेंगे फिर क्वांटिटेटिव, सीक्वेंस तय है। या कॉन्करेंट, यानी कि हम क्वांटिटेटिव से भी डेटा कलेक्ट करेंगे क्वालिटेटिव मेथड से भी, यानी हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेंगे, हम सर्वे भी कर लेंगे, हम केस स्टडी भी कर लेंगे, इस तरीके से। और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसीजर वो कह रहा है कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब जरूरत हो क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव में, ठीक है। तो हम या तो सीक्वेंशियल भी हो सकता है, कॉन्करेंट भी, मतलब पूरी फ्रीडम है रिसर्चर को। और रिसर्च मेथड्स वो ये कह रहा है कि आप डेटा कलेक्शन के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि क्वांटिटेटिव में हम क्लोज्ड एंडेड करते हैं, क्वेश्चनेयर करते हैं, क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड होता है, इंटरव्यू होता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, ऑल, ठीक है। अच्छा, क्योंकि टाइम ज्यादा लगा था तो लास्ट में थोड़ा समय स्पीडी हो गई, लेकिन आई थिंक कि आपको इसका बेसिक उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि पर अप्रोचेस तीन हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड। अप्रोच को पाएंगे कैसे, हमको तीन बातें पता होना चाहिए, नॉलेज क्लेम क्या है, उसके स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी या मेथोडोलॉजी क्या है, और मेथड्स आप कौन से तय कर रहे हैं। नॉलेज क्लेम में आपका पोस्ट पॉजिटिविस्ट है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट है कि एडवोकेसी है कि आपका प्रैग्मेटिक है।
और स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी में आपकी मेथडोलॉजी, आप एथनोग्राफी है, केस स्टडी है, कौन सी ब्रॉड मेथडोलॉजी और उसमें मेथड्स कौन से फॉलो करें, अगर क्वांटिटेटिव है तो क्लोज्ड एंडेड, क्वालिटेटिव है तो ओपन एंडेड, और मिक्स मेथड है तो दोनों का मिलाकर चलेगा, लेकिन हमको अंततः समस्या का समाधान चाहिए। तो इसमें से जो अप्रोच, जो माइंडसेट आपका है उस हिसाब से हम अप्रोच तय करते हैं और हमारी ये तीन मुख्य रिसर्चेस एजुकेशनल रिसर्चेस में चलती हैं। ओके, सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई डन फ्रॉम माय साइड।